घमंडी मोर। एक तालाब के किनारे कई पशु पक्षी रहते थे, उनमें से एक मोर भी था। वो हर दिन तालाब के किनारे जाता और पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर अपनी सुंदरता को निखारता रहता। सारे पशु पक्षी उसकी सुंदरता की, उसके रंग बिरंगे पंखों की, उसके नृत्य की तारीफ करते थे। मोर को अपनी तारीफ सुन सुन के अपने आप पे घमंड होने लगा था। वो आते जाते दूसरे पंछियों को टोकने लगा था और कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाता था। एक दिन रिमझिम बारिश होने लगी और मोर खुशी से झूमने लगा। कोयल कुकू गाने लगी। सारे पशु पक्षी खुश हो गए। चिड़िया को कोयल की कूक बहुत अच्छी लगी। अरे वाह कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है। ऐसा लगता है कि दिन भर ये मीठी आवाज हम सुनते ही रहे। ये सुनकर मोर का अहंकार जाग उठा। हाँ, आवाज सुरीली तो है, लेकिन कोयल को ना रूप है और ना तो रंग। तो क्या हुआ मोर? मैं अपनी आवाज से लोगों का मन जीत लेती हूँ। अपने रूप रंग का अहंकार करना गलत बात होती है। मोर का ये बर्ताव सारस देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मोर नाचते हुए तालाब के पास आया और उसने मेंढक को भी छेड़ा। तुम्हारी आवाज कितनी भारी है, कई पशु पंछी तो डर ही जाते होंगे। मेंढक दुखी होकर पानी में कूद गया और तैरते हुए वहाँ से चला गया। मोर ने सारस को देखकर सोचा, मुझे इसके पास जाकर अपनी सुंदरता दिखानी होगी। बहुत घमंड के साथ मोर सारस के पास गया और अपने सुंदर पंख फैला दिए। फिर उसने अपने घमंड के साथ सारस को देखा और कहा, अरे सारस, कैसे हैं आप? मैं सोच रहा था कि आपको अपने सादे सफेद पंखों के साथ कैसा लगता होगा। आपके पंख तो बहुत साधारण से हैं, उनमें तो कोई रंग ही नहीं है। आप शायद मेरी तरह नाच भी नहीं पाते होंगे। ये सुनकर सारस बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने पंख फैला दिए और उड़ता हुआ वो मोर के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पंख हमें उड़ने के लिए मिले हुए हैं। तुम्हारे पंख सुंदर तो हैं, लेकिन तुम उनसे ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते। मैं अपने साधारण लेकिन काम आने वाले पंखों से बहुत खुश हूँ। मुझे तो रंग बिरंगे पंखों का कोई मोह नहीं। हर किसी में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है, बस एक दूसरे से अलग होती है। उसका घमंड करना सही नहीं होता है, और ना ही अपने घमंड से किसी को दुखी करना। कोयल मीठा गाती है तो मेंढक लंबी छलांग लगाता है। ये सुनकर मोर चुप हो गया। उसे अपने घमंड का और गलत बर्ताव का पछतावा हुआ। वो माफी मांगकर वापस चला गया और उस दिन के बाद उसने ये सब दिखावा करना बंद कर दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है, हमें अपनी सुंदरता और अच्छे गुणों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था। छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से वो बहुत परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था, ना ही वो राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा, नमकीन, नए कपड़े, खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पे बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसके बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे।
कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भर गया था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो मदद की अपेक्षा से अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। सुनो भैया, मेरे काम का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पे राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा भैया। राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया है वही मुझे लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं, तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूं माताजी? आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना। और भी कुछ काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। जरूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? घर पर बीवी बच्चा भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। कुछ आगे चलते ही चार घने पेड़ दिखेंगे, उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है। उसमें तीन बौने रहते हैं और उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये मिठाई देखेंगे, वो तुमसे ये मिठाई मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेके जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे चार बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा सा था। वह झुक कर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा तीन बौने अंदर खड़े थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई देखकर वह तीनों ही बहुत खुश हुए। हमें ये केसर की मिठाई बहुत पसंद है, क्या तुम हमें ये दे सकते हो? हाँ, ये मिठाई तुम हमारे लिए यहीं रख दो। ठीक है, मैं ये मिठाई आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले आप लोग वो चक्की दे दो। ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देते हैं। लेकिन सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना। इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। शुक्रिया, मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। राघव बहुत ही खुश हो गया, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने केसर की मिठाई उन बौनों को दे दी और चक्की लेकर घर आ गया। घर पे बीवी और बच्चा भूखे ही बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। देखते ही देखते वहाँ चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूं और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया।
राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाके बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चे की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया। राघव ने नया घर भी बनाया। यह बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। कल तक तो इस राघव के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा, कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा? मुझे ये राज जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया। खाना खा के वापस ना जाते हुए वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिप कर वह घर पे नजर रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि वो ये चक्की चुरा कर घर ले जाएगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुस गया। सबकी नजर चुरा कर वो चुपके से चक्की अपने घर ले गया। जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो, क्योंकि हम लोग अभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बताइए कि हम जा कहां रहे हैं और क्यों? ये चक्की कहां से उठा ले आए हैं आप? सवाल मत करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले हमें यहाँ से निकलना है। विक्रम बीवी और बच्चे के साथ अपना घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा। दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना वह देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपने बीवी और बच्चे के साथ वह नाव में बैठ गया। इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे? ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसी की वजह से तो राघव इतने बड़े घर और धन दौलत का मालिक बना है। अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था। नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी। विक्रम और उसका परिवार पानी में गोते खाने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था राघव ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। शापित हिरण कन्या। हिरण्यक नाम का एक व्यापारी शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसकी एक बेटी थी ईला। वह बहुत ही खूबसूरत थी, सब लोग उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन जब वो शहर में सैर करने निकली थी, तब उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत बहुत ही गरीब और दिखने में भी बहुत अजीब थी। उसे देखकर ईला को उस पर हंसी आई। ईला की हरकत देखकर उस औरत को ईला पर बहुत गुस्सा आया। तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? कुछ भी नहीं, बस आपको देखकर मुझे हंसी आई। जब बूढ़ी औरत ने देखा उसके गुस्सा होने के बावजूद ईला हंस रही थी, तब उसने ईला को श्राप दिया और उसने कहा, भले ही तुम बहुत अमीर और खूबसूरत हो, लेकिन मेरे श्राप की वजह से अब तुम एक हिरनी और एक लड़की का रूप धारण कर लोगी और तुम्हें अपनी जान बचाते हुए हर जगह छिप छिप कर जीना होगा। ये बात सुनकर ईला बहुत ही डर गई और उसने उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी और उसे कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। लेकिन बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मेरे गुस्सा होने के बाद भी तुमने अपनी हंसी नहीं रोकी। तुम्हें अपनी खूबसूरती का और अमीरी का बहुत घमंड है, इसीलिए मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करूंगी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उसके बदले में मैं आपको आप जो मांगेंगी वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकती हूँ। अगर तुम अपने बर्ताव से किसी का दिल दुखाने के बजाय किसी की सहायता कर पाओ और अपने घमंड का त्याग कर सको, तब जाके तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फिर से आ सकती है, और जिस दिन कोई खूबसूरत जवान तुम्हें शादी के लिए पूछेगा, उस दिन तुम अपने मूल रूप में आ जाओगी। वो राजकुमार अपने घुटने पर आकर तुम्हें शादी के लिए पूछेगा। ये सब वो अपनी मर्जी से करे तो ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। याद रहे, तुम इस श्राप के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। जिस दिन तुम इस श्राप से मुक्त होने का उपाय खुद किसी से कहोगी, उस वक्त तुम अपनी जान गवा दोगी। और अगर तुमने उसे इस उपाय के बारे में बताया तो इस श्राप से ना तुम मुक्त हो सकती हो और अपना जीवन भी तुम्हें गवाना होगा। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। ये कहकर ईला वहाँ से चली गई। अब वो ऐसा रूप लेकर अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। उसे अपने माँ पिताजी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसका वो रूप देखकर उनको दुख होता, इसीलिए वो शहर से दूर एक नदी के किनारे रहने लगी। अब उसका बाहर आना जाना, घूमना फिरना कम हो गया था। उसे अपने रूप पर शर्म आती थी। जंगल के खूंखार जानवर या पक्षी, इनसे उसे बचकर रहना पड़ता था। लेकिन उसे याद था कि अब उसे लोगों को दुख पहुंचाने के बजाय एक अच्छा इंसान बनना है, तभी वो श्राप से मुक्त हो सकती थी। अभी वो हर रोज जंगल के कुछ हिस्सों में जाकर फल सब्जी खाया करती थी। उसे देखकर छोटे प्राणी उस पर हंसते थे। तब उसे समझ में आया कि किसी पर हंसना कितना बुरा होता है। एक दिन जब वो जंगल में अपना फलाहार ढूंढने गई थी, तब उसने देखा एक खरगोश कीचड़ में गिर गया था। उसने उस खरगोश की सहायता की और उसे बाहर आने में उसकी मदद की। उस दिन से खरगोश उसका दोस्त बन गया। अब ईला जंगल के बाकी प्राणियों से दोस्ती करने लगी थी। वो उनके साथ बातें करती थी, उनके लिए फल भी लाती थी और गाने भी गाती थी। एक दिन उसने देखा जंगल में एक राजकुमार एक हिरन का शिकार करने वाला था, लेकिन ईला ने उस हिरन की जान बचाई। ये देखकर राजकुमार ने ईला पर निशाना लगाया, लेकिन ईला का रूप देखकर वो हैरान रह गया। उस हिरन को देखने के लिए वो उसके नजदीक आ रहा था। वहाँ पर भी एक शिकारी ने फांसा लगाया हुआ था। राजकुमार उस फांसे में फंस गया। ईला ने ये देख लिया। उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने दोस्त पंछी की सहायता ली। पंछी ने राजा की डोर अपने नोकीले चोंच से काट दी और राजकुमार मुक्त हो गया। वो बहुत बड़ी मुश्किल से बच गया था। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे ईला का रूप देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। आपका ये हाल कैसे हुआ, क्या आप बता सकती हैं कि आपके इस रूप में एक हिरन और एक इंसान का समावेश एक साथ कैसे है? लेकिन ईला को बूढ़ी औरत का हर एक शब्द याद था। उसने राजकुमार को कुछ भी नहीं बताया। अब राजकुमार उस जंगल में बार बार आने लगा। आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। एक दिन ईला पेड़ की छाव के नीचे बैठी हुई थी, तभी राजकुमार ने उसे देखा। उसे देख राजकुमार को बहुत ही अच्छा लगा। उसे लगा जरूर ये कोई अद्भुत हिरन है, लेकिन इसकी वजह उसे पता नहीं थी। उसे वो हिरन यानी ईला अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो करता भी तो क्या। उसे लग रहा था अगर ये आधी हिरन और आधी लड़की नहीं होती तो मैं इसके सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखता। लेकिन उसने सोचा प्यार रूप रंग देखकर तो नहीं किया जाता, इसने मेरी जान बचाई है और इसे जंगल के प्राणियों से कितना लगाव है,
आजकल तो इंसान भी किसी इंसान से इतना प्यार नहीं करता। इसीलिए वो राजकुमार ईला के सामने झुक गया और घुटने पे बैठकर उसने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ईला? मेरा ये रूप देखकर भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम्हें मुझसे अच्छी रूपवती गुणवती मिल सकती है। मेरा रूप आधी लड़की और आधे हिरन का है, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे घर वाले मेरा स्वीकार कभी नहीं करेंगे। ये मेरा निर्णय है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ। प्यार कभी रूप रंग देखकर नहीं किया जाता। बोलो, मुझसे शादी करोगी? जैसे ही राजकुमार ने आंखें बंद करके ईला से ये बात कही, ईला अपने मूल रूप में आ गई। राजकुमार ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ गई। उसने ईला से कहा, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो निभाया है। तुमने अपने बर्ताव से किसी का भी मन नहीं दुखाया और जंगल के इन जानवरों की सहायता की। आज तुम्हें राजकुमार ने शादी के लिए पूछा है, फिर भी तुमने उसे अपने श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए तुम अब से पहले जैसा सुखी जीवन बिता सकती हो बेटी। ईला ने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी। भूतिया खंडहर। एक तालाब के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रुद्र नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे लोगों की मदद करने की बहुत आदत थी। सुनो रुद्र, तालाब के किनारे के जंगल के आसपास भी कभी मत जाना। क्यों माँ? बस मत जाना, बड़ों की बातें सुना करते हैं। माँ, मैं बचपन से ही जंगल में रहने वाले भूतों की कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ। तुम्हें ये सब किसने कहा? गांव वालों ने और मेरे कुछ दोस्तों से सुना है, और मुझे पता है इसीलिए उस तरफ कोई नहीं जाता। गलती से भी अगर कोई उस जंगल में गया तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आया। सच कहा ना? हाँ, एक बार दीवान चाचा रात को जंगल के नजदीक के रास्ते से आ रहे थे। एक भूत अचानक उनके सामने आया और वो बेहोश हो गए। अगले 4-8 दिन वे बिस्तर पे ही थे। शाम होते ही लोग खिड़कियां दरवाजे डर से बंद कर देते हैं। एक बार विमला चाची को दूर से झाड़ियों में एक भूत दिखा। इसीलिए रुद्र, हम हमेशा ही तुम्हें इस बात की याद दिलाते रहते हैं। लेकिन माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैंने ठान ली है कि मुझे उस जंगल के भूत के बारे में जानना है और सच्चाई सबके सामने लानी है। ये बहुत ही मुश्किल और बहादुरी का काम है। फिलहाल तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे अपने दोस्त धैर्य की मदद लेनी होगी, यही सही होगा। सुनो दोस्त, हमें जंगल में रहने वाले भूत के बारे में जानना है, इसलिए हमें जंगल जाना होगा। सुरक्षा के लिए हम अपने कमर के पट्टे में कुछ छुपा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ जाकर लापता हुए तो, या दोनों में से एक गुमशुदा हुआ तो? अगर हम में से कोई भी एक गुमशुदा हो जाए तो दूसरे को उसे सावधानी से ढूंढना होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम कहीं फंस गए तो वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना ही होगा। हाँ, तभी हम अपने गांव वालों की सहायता कर सकते हैं और सच्चाई का भी पता लगा सकते हैं। वो तालाब के जंगल की ओर निकल पड़े और दोनों ने ही अपना भेष बदल लिया। धैर्य छुपते छुपाते और सबसे नजर बचाकर हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जंगल में तो कई सारे पेड़ कटे हुए हैं, कुछ जगहों पर तो वन्य प्राणी भी मरे हुए हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे पत्तों के बीच आकर फिसल गए और देखते ही देखते वहाँ से अंदर जाने लगे। ये गुफा तो बहुत गहरी है। धैर्य, तुम बिल्कुल मत डरना, किसी एक टहनी को झट से पकड़ लो। हाँ हाँ, मैंने भी दूसरी टहनी को झट से पकड़ लिया है। अब गिरने की बजाय
हम धीरे धीरे उस खंडर की ओर नीचे उतर सकते हैं। अब थोड़ा आराम करते हैं, हम खंडर में बहुत अंदर तक आ गए हैं। कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। हाँ, लेकिन हम यही रुककर आसपास क्या हो रहा है उसका अंदाजा लगाते हैं। अरे, अब सुनाई देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही है। हाँ, आवाज आनी बंद हो गई है। अब नीचे उतरना सुरक्षित होगा। दबे पाँव नीचे उतरते हैं। यहाँ पे तो जंगल का काफी सामान पड़ा है। इस कोने में बहुत सारे चंदन की लकड़ियाँ पड़ी हुई है, और यहाँ देखो हाथी के दांत पड़े हुए हैं, और ये देखो यहाँ पर दो सफेद कपड़े भी टंगे हुए हैं। इसका मतलब साफ है, ये काम किसी भूत का नहीं है। बताओ, इन सब चीजों का भूत क्या करेगा? ये जरूर इंसानों का काम है। हाँ, इंसानों ने ही लालच में आकर यहाँ पर भूत होने की अफवाह फैलाई है। ये सारा काम चोरों का है, और ये सफेद कपड़े भूत का रूप धारण करने के लिए हैं। भूत के डर से जंगल के इस तरफ कोई आना ही नहीं चाहता, और इसीलिए जंगल की ये हालत है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब हम इनको सबक सिखाएंगे। पर संभल कर, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, एक छोटा सा रास्ता। इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये रास्ता तो जंगल की दूसरी ओर जाता है। फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही है। छुपकर देखते हैं। वो देखो, वहाँ उस गाड़ी में। हाँ, और पास में ही गाड़ी में एक शेर की खाल रखी हुई है, और दूसरी गाड़ी में चोरी की लकड़ियाँ, और उस गाड़ी में हाथी के कुछ दांत भी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये लोग जंगल में रहकर इन चीजों की तस्करी कर रहे हैं। ये सारा सामान जंगल से बाहर ले जाकर ये लोग बेचते होंगे। हम दोनों इन लोगों से नहीं निपट पाएंगे, इसीलिए हमें चुपके से फिर से हमें अपने गांव जाना होगा। अब हमें भूत का सारा राज पता चल चुका है। अब हमें जंगल के बीचों बीच खंडर के लिए बनाया हुआ रास्ता बंद करवाना होगा, ताकि फिर कभी कोई उस गुफा में ना गिरे, और ना ही कभी कोई अपनी जान गवाए। हम ये सारी बातें पुलिस को बताएंगे। हवलदार, अंदर का सारा सामान अपने कब्जे में ले लो। शायद वो चोर आ रहे हैं साहब। हमें किसी भी तरह उन्हें पकड़ना होगा। खंडर के दोनों रास्ते अच्छी तरह बंद कर दो, ताकि इस तरह की चोरी की घटना फिर से ना हो पाए। धैर्य और रुद्र की बहादुरी से दोनों चोर पकड़े गए। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।